हे वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो और स्विफ्ट के बीच में 2023 वेरिएंट पे। आज की वीडियो में जानेंगे कि सिलेरियो बेहतर है स्विफ्ट, और दोनों के गाड़ियों के बीच में क्या डिफरेंस है, और कौन सी गाड़ी है रियल वैल्यू फॉर मनी डील, और कौन सी गाड़ी होगी सही। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन वाइज आप जान रहे हो दोनों ही गाड़ी एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। जहाँ पर अगर हम बात करेंगे डायमेंशन वाइज अभी आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम दोस्तों लंबाई की बात करते हैं तो स्विफ्ट 150 mm ज़्यादा लंबी है, चौड़ाई की बात करेंगे तो स्विफ्ट 80 mm ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन जहाँ बात करते हैं ऊंचाई की तो 25 mm ज़्यादा ऊंची है सिलेरियो। तो अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहो तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी दिखने में लगती है, तो वह है स्विफ्ट। लेकिन अगर हम इंटरनल स्पेसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर सिलेरियो में बूट स्पेस देखने को मिलता है 313 लीटर्स का, और स्विफ्ट में जो बूट स्पेस आता है वो है 268 लीटर का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों में हैचबैक वाली है 165 mm की। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट इंजन्स की। इंजन वाइज दोस्तों दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जो सिलेरियो है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा 1000 cc का 3 सिलेंडर के 10C पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 65 bhp का विद टॉर्क ऑफ 89 Nm टॉर्क। इस गाड़ी में एक CNG वेरिएंट भी आता है जो कि पावर जनरेट करता है 55 bhp का विद टॉर्क ऑफ 82 Nm टॉर्क। वहीं अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 1200 cc का के सीरीज डुअल जेट 4 सिलेंडर का इंजन है। यह इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 88 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में दोस्तों CNG मॉडल भी आता है जो कि पावर जनरेट करता है 76 bhp का विद टॉर्क ऑफ 98 Nm टॉर्क। अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस में यहाँ पर आप ज़मीन और आसमान का फर्क देख पा रहे हो। यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो दोस्तों परफॉर्मेंस में सिलेरियो से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, चाहे हम CNG की बात करते हैं या फिर पेट्रोल की, और इंजन रिफाइनमेंट भी 4 सिलेंडर होने के कारण स्विफ्ट में बहुत अच्छा आ रहा है। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज वाइज यहाँ पर सिलेरियो बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। सिलेरियो दोस्तों पेट्रोल पर 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और CNG पर 35 किलोमीटर पर kg का माइलेज देती है। वहीं मैं स्विफ्ट की बात करूँ दोस्तों ये गाड़ी पेट्रोल पर 23 kmpl का माइलेज और CNG पर 30 किलोमीटर का माइलेज देता है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ माइलेज के सेंक्शन में तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो सिलेरियो का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, स्विफ्ट कहीं भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन माइलेज सेक्शन में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन क्लियर विनर माइलेज में सिलेरियो निकल गया। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो अभी आप देख रहे हैं सिलेरियो का इन्फोटेनमेंट सिस्टम। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन और 4 स्पीकर आ जाते हैं। इसका जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है और अच्छा है। वहीं हम स्विफ्ट की बात करें तो दोस्तों आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा एडवांस 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन, 4 स्पीकर आ जाते हैं। जो डैशबोर्ड इंटीरियर्स हैं हम बात करते हैं स्पेक्स की तो दोनों का सेम है, लेकिन डिज़ाइन के अगर मामले में आप मुझसे पूछें तो पर्सनली स्विफ्ट का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अप टू मार्क है और काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है आपको यहाँ पे स्विफ्ट। बात करें सेफ्टी वाइज तो देखो सेफ्टी वाइज सिलेरियो की अभी तक सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन जहां हम बात करते हैं स्विफ्ट की तो स्विफ्ट ने भी कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं भाई साहब। इस गाड़ी को मिला है सिर्फ 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, जो कि भाई बड़े ही शर्म की बात है कि भाई 10 लाख की गाड़ी 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, मतलब क्या है ये। और वहीं बात करूँ सेफ्टी वाइज तो भाई दोनों गाड़ियाँ राम भरोसे सेफ्टी चल रही है इनकी। मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइसिंग में यहाँ पे फ़र्क है दोनों में। सिलेरियो में पेट्रोल में कुछ 7 मॉडल्स आते हैं, जो कीमतें शुरू होती है वो 6 लाख से शुरू होती हैं और 8,02,000 रुपये के आसपास ऑन रोड आ जाता है। CNG में एक ही मॉडल आता है जिसकी कीमत है 7.5 लाख रुपये। तो प्राइसिंग अगर आप देख पा रहे हो सिलेरियो की ठीक ठाक है अपने सेगमेंट में, लेकिन वही स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ी महंगी है। पेट्रोल में इस गाड़ी में के 9 मॉडल्स आते हैं, जो कीमत शुरू होती है वो 6,80,000 से शुरू होती है और 10,14,000 रुपये में टॉप मॉडल आता है। CNG में इस गाड़ी में 2 मॉडल आते हैं, पहली मॉडल की कीमत है 8,80,000 और दूसरी मॉडल की कीमत है 9.5 लाख। अगर मैं यहाँ पे कीमतों की बात कर रहा हूँ तो कीमत आप अप्रॉक्स वैल्यूज देख रहे हो, ये ऑन रोड प्राइसिंग है, दिल्ली के अंदर की मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ, 5-6 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता रहता है।
बाकी यहाँ पे मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली सिलेरियो एक मुझे वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं 10 लाख लगा रहा हूँ, मुझे सुरक्षा की कोई गारंटी दोनों में नहीं मिल रही है, मुझे माइलेज चाहिए, जाहिर सी बात है। देखो कस्टमर को दो ही चीज़ चाहिए होता है, एक कस्टमर होता है जो गाड़ी में मजबूती, बिल्ड क्वालिटी, सुरक्षा दिखता है, दूसरा कस्टमर होता है जो गाड़ी में माइलेज ढूंढता है। तो देखो यहाँ पर आपको माइलेज दोनों में, सॉरी सुरक्षा किसी में नहीं मिल रही है, लेकिन माइलेज चाहिए तो भाई सिलेरियो उठा लो। वैसे भी अगर 0 स्टार की गाड़ी लेना है तो पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा कि भाई मैं ऐसी गाड़ी लूँगा ना जो माइलेज दे और सस्ती में आ जाए। तो सिलेरियो मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ इन टूडेज कंडीशन बहुत बेहतरीन डील है। लेकिन एक शौक भी बड़ा चीज़ होता है ना, तो स्विफ्ट होता है ये एक ब्रांड बन चुका है, तो स्विफ्ट की लुक्स ही कातिल है, तो लुक्स के मामले में स्विफ्ट के साथ जाना चाहूँगा। लेकिन माइलेज अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनिएगा, अगर मेरे पास 8 लाख रुपए हैं और मुझे अगर चुनना हो स्विफ्ट लो या सिलेरियो, तो मैं पर्सनली सिलेरियो को ही सिलेक्ट करूँगा ड्यू टू मैनी रीजन्स। पहली बात तो मुझे माइलेज मिल जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर मुझे सेफ्टी चाहिए होगा तो मैं टाटा लूँगा ना भाई, मैं ही क्यों लूँगा, जाहिर सी बात है। ओवरऑल दोस्तों आपको सिलेरियो पसंद आया स्विफ्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी इसी वीडियोज़ को देखने के लिए, ऑटो कंपेयर को देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल ऑटो कंपेयर।